Very good morning, Radiant, class 11th. Student, in the last video, we were discussing about the casebook that was our new chapter. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 8 मार्क्स सिक्योर करेगा और डेफिनेटली एग्जाम में 8 मार्क्स आना ही आना है. तो कैशबुक में पढ़ा था आपने, कैशबुक होता क्या है, किस तरीके से कैशबुक को सब्सिडरी बुक क्यों कहा जाता है, सब्सिडरी बुक कितने होते हैं, 6 होते हैं, उसमें सबके नाम शायद आपको याद होंगे बेटा. तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, पहला वीडियो कैशबुक. आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने जाएंगे. और चूंकि आपको मैंने पहले डिस्कस किया है बेटा कि अकाउंटेंसी पूरे प्रैक्टिकल पे डिपेंड है, पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे डिपेंड है. अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप कंसेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है फ्यूचर में भी, ठीक है बेटा. और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका एक भी कंसेप्ट दूसरे से और दूसरा कंसेप्ट तीसरे से जो है जुड़ा हुआ है. तो जिस बच्चे को 11th में अच्छा आएगा, मींस पिछला चैप्टर अच्छा आएगा, उसको अगला भी अच्छा आएगा. जिसको ये अच्छा आएगा, उसको नेक्स्ट वाला अच्छा आएगा. तो मतलब जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, आगे के जो है वे जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको करने का. और अकाउंटिंग काफ़ी डीप है बेटा, 12th में चल करके जो है ये काफ़ी और लेंदी हो जाएगा. तो आप इस तरीके से जो है 11th में लापरवाही ना करिए. आई होप कि आप समझ गए होंगे. तो चलिए बेटा देखते हैं. स्टूडेंट, यू कैन सी ऑन स्क्रीन सिंगल कॉलम कैशबुक. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिंगल कॉलम कैशबुक. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था बेटा कि तीन आपको पढ़ना है, सिंगल कॉलम कैशबुक, दूसरा डबल कॉलम कैशबुक और लास्ट आपका पेटी कैशबुक. तो अभी आप पढ़ने जा रहे सिंगल कॉलम कैशबुक, जो कि बहुत आसान है, बहुत ईजी है. और शायद अगर आप बिजनेस करेंगे या कभी भी आपके दिमाग में आएगा, तो इस तरीके की बुक बिजनेस में अपने आप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से देख के बताइए. बेटा सिंगल कॉलम कैशबुक का मतलब है व्हेन द ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू कैश ओनली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉमिस, ठीक है. आई एम टॉकिंग दैट व्हेन कैश इज कमिंग इन द बिजनेस एंड कैश इज आउट गोइंग फ्रॉम द बिजनेस. ओनली कैश, नॉट चेक, नॉट बैंक, नथिंग. तो अगर कैश आपके बिजनेस में आएगा या कैश आपके बिजनेस में जाएगा, तो सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सिंगल कॉलम कैशबुक बनाया जाता है. सिंगल कॉलम कैशबुक कंसीडर ओनली द ट्रांजेक्शन विच आर डायरेक्टली रिलेट टू द कैश. इफ कैश इज कमिंग इन द बिजनेस दैट विल बी रिकॉर्ड, एंड इफ कैश इज आउट गोइंग फ्रॉम द बिजनेस दैट विल बी रिकॉर्ड. तो यू कैन सी कि सर सिंगल कॉलम कैशबुक इज द समरी ऑफ कैश. तो वेरी गुड, आप कह सकते हैं कि सिंगल कॉलम कैशबुक जो होता है वो बेटा कैश की समरी होता है. बिकॉज इन द बिजनेस देयर आर 90% यू कैन से 80% ऑफ द ट्रांजेक्शन आर डिपेंड ऑन कैश ओनली, ठीक है. 80% ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में होते हैं, चाहे वो कैश में परचेज करना हो, चाहे बार बार परचेज करना हो, चाहे वो कैश में सेल करना हो, बार बार सेल करना हो, चाहे वो किसी को पेमेंट करना हो, बार बार पेमेंट करना हो, चाहे वो किसी को एक्सपेंसेस देना हो, किसी से इनकम रिसीव करना हो. सो 60% या 70% ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिलेट टू द कैश, ठीक है. अगर मैं अभी मैं जो ये मान के चलूँ कि उसने जो है बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर रखा है, तो उसके मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो वो कैश पे ही डिपेंड होंगे, ठीक है. तो बिजनेसमैन, आपको पता है बेटा कि ये जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सब्सिडरी बुक. तो सब्सिडरी बुक में 6 होते हैं बेटा, कौन कौन, कैश बुक, परचेज रिटर्न परचेज बुक, सेल्स रिटर्न सेल्स बुक, और एक होता है जर्नल प्रॉपर. तो जर्नल प्रॉपर और इन सब के बारे में बात करता रहूँगा. तो बेटा आप आज जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं आप कैश बुक, ठीक है. किस तरीके से जो है आप सिंगल कॉलम कैशबुक प्रिपेयर करेंगे, तो सिंगल कॉलम कैशबुक में सबसे खास बात क्या है कि इफ द ट्रांजेक्शन आर रिलेट टू कैश, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस और कैश इज आउट गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है. इधर टू एस्पेक्ट, अगर कैश आ रहा है तो या कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो, इफ ओनली कैश इज कमिंग इन द बिजनेस और आउट गोइंग फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम एनी वे फ्रॉम एनी पर्पज, देन इट विल बी रिकॉर्ड इन द कैशबुक. नाउ क्रेडिट नेचर ट्रांजेक्शन, अगर आपने किसी को उधार में सेल किया तो इसकी एंट्री कभी भी कैशबुक में नहीं होने वाली है. कौन से कैशबुक में, सिंगल कॉलम कैशबुक में. अगर आपने किसी को चेक में पेमेंट किया या चेक से रिसीव किया, तो ये एंट्री भी आपके कैशबुक में नहीं होने वाली है. रीजन क्या है कि डुअल कॉलम कैशबुक में वो होगा, सिंगल कॉलम कैशबुक में चेक को कंसिडर नहीं किया जाता. क्यों? क्योंकि सिंगल कॉलम कैशबुक में कॉलम सिर्फ कैश का होता है, बैंक का कॉलम तो होता नहीं है. तो सिर्फ आप जो है कैश के ट्रांजेक्शन को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है. अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट की भी एंट्री यहाँ पे नहीं होती है. अगर जीएसटी वीएसटी लगा के आप दे रहे हैं तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे नहीं होती. जैसे अगर आपने परचेज किया, सॉरी, अगर आपने रमेश को पेमेंट किया 10,000, ठीक है, और 2,000 आपका डिस्काउंट बच गया, तो जो पेमेंट आपने किया दैट एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ द कैश दैट विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, ठीक है. यू नीड नॉट टू रिकॉर्ड डिस्काउंट वगैरह, ठीक है. वैसे ही अगर आपने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश, ठीक है.
तो इस तरीके से करेंगे तो कैश वाले कॉलम में आउटफ्लो होगा कैश आपका पूरा पूरा। सपोज करिए 10,000 रुपये आपका कैश गया जिसमें सामान की कीमत 7,600 थी और इस तरीके से जो है वो 1,200 रुपये आपका ये था और 1,200 रुपये ये था। सपोज दैट एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये 10,000 कैसे जाएगा? आप कैश बुक में दिखाएंगे कि जो 10,000 हमारा गया वो बाई परचेज के नाम से, मतलब परचेज के लिए पेमेंट किया गया, इनपुट सी जी एस टी के लिए पेमेंट किया गया, इनपुट एस जी एस टी के लिए पेमेंट किया। तो सीधी सी बात है कि जी एस टी की एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, ये जो फोल्ड दिया जा रहा है इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी, इनपुट आई जी एस टी जो भी हो वो रिकॉर्ड किया जाएगा, बट दैट ओनली वेन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वेन इट वॉज पेड इन कैश। ठीक है, अगर ये कैश में पेड किया गया था तभी वो कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाला है, अदरवाइज कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक किसी ऐसे ट्रांजेक्शन को सर्टिफाई नहीं करता, किसी ऐसे ट्रांजेक्शन को कंसिडर नहीं करता जो आपके कैश से रिलेट ना हो। कैश मतलब वही नगद जिसको आप गिनते हैं, जिसको आप देखते हैं, रुपया। ठीक है, तो शायद कुछ दिमाग में आया होगा बेटा, कॉलम काफ़ी लंबा है इसका। तो पहले कॉलम में डेट, ठीक है, कि किस डेट को हुआ है, किस डेट को आपको रिसीविंग या पेमेंट हुआ है, जो इसका ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन बेटा, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, देखिए ये आप आधा कह सकते हैं इसको, ये डेबिट पोर्शन कह सकते हैं आप, ये डेबिट वाला कॉलम होता है और फिर यहाँ डेट फिर से स्टार्ट हो रही है और ये क्रेडिट का कॉलम, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो ईजी है समझने में भी, क्या है डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट, एक तो इस कॉलम का हो गया कि भाई डेट कितना रिसीव्ड हुआ, वाउचर नंबर क्या था, LF क्या था, अमाउंट। फिर इसके बाद फिर क्रेडिट वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, डेट पेमेंट वाउचर नंबर LF अमाउंट। तो ये नहीं कि सर हम सबको याद करें, भाई देखो ये आधा यहाँ से कर लो, ये आधा उधर कॉपी करना आपको, ठीक है, लेकिन बनेगा तो फॉर्मेट एक साथ। तो डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट। तो कैसे इसको करेंगे भाई, देखो पहले कॉलम में डेट, ये जो रिसीव्ड है, ये जो डेबिट साइड है, इस साइड में आपको रखना है रिसीविंग। ठीक है, इफ कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, इफ कैश इज कमिंग इन द बिजनेस मतलब कैश अगर आपका डाउनलोड होगा, कैश अगर आपके पास आएगा तो आप रिसीव साइड में रखेंगे, मतलब ये कह सकते हैं कि सर किस साइड में रखेंगे, डेबिट साइड में रखा जाएगा। ठीक है बेटा, वाउचर नंबर क्या होता है, वाउचर नंबर को मैंने पहले ही बताया कि वाउचर नंबर इज अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सपोज दैट अगर आपने यहाँ पे किसी को पेमेंट किया तो उस पेमेंट वाले वाउचर पे लिखा था 1143 नंबर या 1143, तो आप यहाँ लिख देंगे 1143 कि भाई देखो बाद में वेरीफिकेबिलिटी भी तो होती है, वेरीफिकेशन भी तो होता है, सपोज दैट देर आर एनी मिस्टेक अमाउंट 1000, यहाँ आपने जो है 100 लिख दिया, 100 या 1000 लिख दिया, तो वेरीफिकेशन होगा, तो वो वाउचर नंबर या बिल नंबर आप जो है लिख देते हैं। LF क्या होता है, यहाँ से जब आप लेजर में पोस्ट करते हैं, ये कैशबुक से जब लेजर में पोस्ट करते हैं, सपोज दैट कि अगर आपको रमेश ने दिया तो आप लिख देंगे टू रमेश 1000 रुपये, तो रमेश वाले अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रमेश वाले अकाउंट में किस पेज पर ट्रांसफर कर रहे हैं वो पेज नंबर या लेजर फोलियो नंबर भी यहाँ पे जो है वो लिखा जाता है, वो आप आगे चल करके सीखेंगे। यहाँ पे इन दोनों का कोई काम नहीं, बस ये है कि फॉर्मेट में लगा रहेगा। ठीक है, जैसे इसके बाद ये रिसिप्ट का, ये जो आपका इधर वाला पोर्शन है वो रिसिप्ट का हो गया और जो राइट वाला पोर्शन है वो आपका पेमेंट का कॉलम हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड आपका राइट का है, सॉरी लेफ्ट साइड आपका रिसिप्ट का कॉलम है और राइट साइड आपका पेमेंट का कॉलम, फिर वाउचर नंबर LF अमाउंट इसी तरीके से। ठीक है, तो आप दिमाग में रखेंगे कि सर एक तरफ हमें रिसीविंग रखना है जब कैश हमारे पास आएगा, एक तरफ हमें पेमेंट रखना है जिस वजह से कैश जो है वो जाएगा। ठीक है बेटा, तो और एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब आप रिसिप्ट में कोई भी अमाउंट लिखेंगे, कोई भी वे लिखेंगे, तो उसमें टू लगा लगा के, क्या लगा के, टू। ठीक है, और यहाँ जब पेमेंट में रखेंगे तो बाई यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बेटा, बाई, ऐसा नहीं कि बताया नहीं गया। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन करके देखा जाए, इंटरेस्टेड भी होंगे आप, सर देख लें कैसे क्वेश्चन होता है। तो चलो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, देयर आर वेरियस इन्फॉर्मेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी, ध्यान से देख सकते हैं बेटा। और इस क्वेश्चन में कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है, कुछ डिस्काउंट का मैटर है, कुछ कैश का मैटर है, कुछ चेक का भी मैटर है, कुछ उधार का भी, क्रेडिट की भी बात किया, तो हमें बहुत बारीकी से उन छांट छांट के आइटम, उन्हीं आइटम को रखना है जो कैश से रिलेट कर रहा है। मतलब अगर हमें फील हो रहा है कि सही में कैश हमारा जा रहा है, हमने नगद गिन करके दिया होगा, तभी आप इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो फॉर्मेट देख सकते हैं, फॉर्मेट हमने साफ साफ बना दिया आपको, जैसे फॉर्मेट वैसे सेम कर दिया यहाँ पर। ठीक है, वाउचर और LF के कॉलम को आप छोटा रखेंगे जब भी आप कॉपी में बनाएंगे, अगर कॉपी में जो है आपका वर्टिकल फॉर्म में नहीं आ रहा तो उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, लैंडस्केप पोर्ट में कर लेंगे, वहाँ पे भी आप इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट कंप्लीट बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी में फॉर्मेट का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, चूंकि बेटा कैश असेट्स है और असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये कई बार बता रहा हूँ, ये हमेशा चलता रहेगा बेटा, जो बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है।
कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैश कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो पॉजिटिव बैलेंस के लिए आप लिखेंगे बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, पिछले मंथ का 2,50,000 रुपए का बैलेंस था जो इस साल के कैशबुक में ट्रांसफर किया गया। चूंकि अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है, साल की शुरुआत हुई है, तो खुशी की बात थी कि 2,50,000 रुपये था, तो हमने इसको जो है वो पोस्ट कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे कैशबुक, आप बना रहे हैं कैशबुक, जिसका भी बना रहे हो, क्या नाम है कंपनी का, सॉरी क्या नाम है बेटा, किसके बुक में बना रहे हैं आप, मिस्टर विकास ओबराय। तो यहाँ पे विकास ओबराय भी लिख सकते हैं, इन द बुक ऑफ विकास ओबराय। कैशबुक आप बनाने जा रहे हैं अप्रैल मंथ का, तो सबसे पहले यहाँ पे डेट तो है 1 अप्रैल 2020, ठीक है बेटा। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, यहाँ से देखिए टू बैलेंस बीडी। जब आप शुरू शुरू में बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो उसको लिखा जाए टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन, पिछले ईयर का बैलेंस इस साल लाया गया 2,50,000 रुपये, 2,50,000। ये बारीकी से लिखते जाएंगे फटाफट। दूसरा है बेटा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या किया, बैंक में जमा किया। अच्छा बताओ जब बैंक में जमा करोगे तो इधर से पैसा निकल जाएगा, देखो ये रिसीप्ट है, अगर पैसा आएगा तो इधर रखिएगा और जाएगा तो इधर रखिएगा। आप बैंक में जमा करके आए तो कितना जमा करके आए, सर हम जमा किए 75,000। तो 75,000 आपने बैंक में जमा किया। देखो भाई हमने बोला था इधर जब भी लिखेंगे टू लगा के और इधर जब भी लिखेंगे बाई लगा के, बाई लगाने के बाद उस रीजन, उस वजह, उस कारण को जरूर रखेंगे जहां पे पैसा गया है, और यहां पे पैसा गया है बैंक के पास, तो बाई बैंक, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स, क्योंकि यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कैश और क्रेडिट का, तो आप मानते हैं कि जहां पे इंफॉर्मेशन नहीं होती वहां पे जो है हम कैश यूज करते हैं, तो मतलब परचेजिंग जो है वो कैश में हुई है, तो नाउ अगेन बाई परचेज, बाई परचेज अकाउंट 40,000, ठीक है बेटा। कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए, जैसे जैसे हो रहा है पेमेंट वैसे वैसे दिखाते जाइए। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, रमेश से परचेज किया, तो ये बताओ रमेश से परचेज किया, अगर किसी ट्रांजेक्शन में नाम आ जाता है तो वो ट्रांजेक्शन उधार का माना जाता है, और उधार के ट्रांजेक्शन की कंडीशन में ना तो कैश आने वाला ना तो कैश जाने वाला है, मतलब सर ये कैश बुक में नहीं जाएगा, वेरी गुड बेटा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितना परचेज किया आपने, आपने ये जो परचेज किया है 25,000 रुपये का, तो बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर अकाउंट 25,000, तो ध्यान से देखते रहिएगा। लोन गिवन टू चरण दास, चरण दास को लोन दे दिया, भाई चरण दास को जरूरत थी, आपके हित मित्र थे जो भी थे, तो आपने इनको 20,000 रुपये का लोन दे दिया, तो चूंकि पेमेंट हुआ तो बाई चरण दास लोन अकाउंट, बाई चरण दास लोन अकाउंट, जिस काम के लिए दिया वो तो लिखेंगे ही ना बेटा, कितना दिया 40,000 दिया, 20,000, गुड 20,000। आ जाओ बेटा नेक्स्ट है पेड टू रमेश, अब देखो रमेश से यहां ध्यान से देख सकते हैं बेटा कि रमेश से हमने 30,000 रुपये का सामान उधार में खरीदा था, बोलो हाँ या ना, जी सर हाँ खरीदा था, और इसको अपने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन रमेश को जब पेमेंट किया तो 28,500 का पेमेंट किया और 1,500 रुपये बच गया। अब बात यह है कि सर हम 28,500 रखें या 1,500 रुपये रखें या 30,000 रखें, मेरा बेटा आप ये बताओ पेमेंट हुआ कितना, एक्चुअली में आपके पास से कैश गया कितना, सर 28,500 गया, तो भाई 28,500 रखो, आप रखेंगे यहाँ पे बाई रमेश, बाई रमेश अकाउंट 28,500, गुड पेमेंट कर दिया। इशूड चेक टू क्रेडिटर, चूंकि ये डबल कॉलम कैशबुक होता तो बेटा कंसीडर करता, चूंकि ये सिंगल कॉलम कैशबुक है तो चेक की बात नहीं होगी। सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, अब नाम तो दिया लेकिन साफ साफ क्या बोल दिया, कैश, क्योंकि आपने कैश में सेल किया तो पैसे आपके पास आने वाले हैं, और 36,000 रुपये टू सेल्स के नाम से आप दिखा देंगे, टू सेल्स अकाउंट 36,000, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भाई पेमेंट आ रहा है तो पेमेंट आ रहा है। डेट लिख दीजिएगा बेटा जो भी डेट होगी, जिस दिन भी आपने किया होगा, जैसे अभी आपने लिखा विष्णु का, तो 36,000 रुपये किस दिन हुआ है, 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल आप मेंशन कर दीजिएगा, 15 अप्रैल, ठीक बेटा डेट लगा लीजिएगा। इसके बाद है कैश सेल्स ऑफ रुपी 1,20,000 आर विच बैंक्ड ऑन 20 अप्रैल 1,00,000, तो 1,20,000 रुपये का नगद सामान आपने बेचा है जिसमें से 1,00,000 रुपए 20 अप्रैल को जा करके जमा कर दिया। तो सबसे पहले बेचो किस दिन, 16 को, ये देखिए 16 को, ये आप देख पा रहे होंगे 16 अप्रैल को, तो हमने लिख दिया कि 16 अप्रैल को सबसे पहले हमने किया टू सेल्स अकाउंट
हमने जो सामान बेचा वो था 1,20,000 रुपए का। वेरी गुड बेटा। और इसी में से 20 अप्रैल को आपने ले जा करके जमा कर दिया, पेमेंट कर दिया बैंक में, कितना 1,00,000। भाई तुम्हारा ही बैंक अकाउंट था, मैं ये नहीं कह रहा किसी को पेमेंट किया आपने, लेकिन आपने घर पे इतना ज़्यादा कैश रखना या बिजनेस में इतना ज़्यादा कैश रखना उचित नहीं समझा, इसलिए आपने 1,20,000 रुपये का सेल किया 16 तारीख को और 4 दिन बाद जो है वो बैंक में 1,00,000 रुपये जमा कर दिया। वेरी गुड। 22 को रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम और 19,400 और आपने जो है उसको डिस्काउंट दिया। ये बताओ रिसीव कितना किया, ये क्या कर दिया उससे हमें ना बताओ, हमें बताओ नगद कितना है, हमें वही नोट दिखा दो, गिन लेंगे भाई उतना रख देंगे। तो हम जो है रखने वाले हैं गंगाराम के नाम से, टू गंगाराम, चूंकि गंगाराम ने पेमेंट किया है, कहाँ से आया पेमेंट, गंगाराम से आया 19,600 रुपये और डेट थी आपकी 22 अप्रैल को आपके पास गंगाराम के साथ पेमेंट आया है गंगाराम के पास से 19,600 रुपये। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक से पैसे निकाले कितना 25,000 रुपये। अच्छा जब बैंक में पैसा डाला था तो बाई बैंक, जब जमा किया था बैंक में तो बाई बैंक, अब बैंक से निकाल के लाएंगे अपने कैश में जमा करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक। वेरी गुड भाई। जब अभी सपोज करिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक से पैसे निकाले 25,000 रुपए, तो ला करके यहाँ कैश वाले में 25,000 रुपए रख दिया, तुरंत कैश खड़ा होकर के आपसे पूछेगा भाई कहाँ से 25,000 रुपए ले गया, चोरी वोरी तो नहीं किया? आपने कहा नहीं बैंक से लाया। किस बैंक से? अपने बैंक से। तो लिखो फिर टू बैंक। और क्या 24 अप्रैल। वेरी गुड बेटा। इसके बाद है परचेज पोस्टल स्टाम्प। पोस्टल स्टाम्प आपके एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी का खर्चा है ये, बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना हो जाएगा 1,000 का एक्सपेंस आपने पे किया है, छोटा मोटा खर्चा है। इसके बाद है बेटा सैलरी पेड टू अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट वर्क कर रहा तो उसको भी 12,000 रुपये सैलरी दिया है, तो भाई सैलरी अकाउंटेंट अकाउंटेंट मत लिख दीजिएगा, भाई सैलरी अकाउंट 12,000। गुड। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, चूंकि फर्नीचर लाए होते और उसी दिन रिपेयर होता वो फर्नीचर के नाम से जाता है, चूंकि फर्नीचर पहले आया था रिपेयर अभी हो रहा है तो रिपेयर के नाम से जाएगा, बाय रिपेयर एक्सपेंसेस। बेटा आप कॉलम थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, रिपेयर एक्सपेंसेस थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, 1,500 रुपये। ठीक है बेटा। इसके बाद सबसे पहले सिंगल कॉलम कैशबुक में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैशबुक में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद सबसे पहला स्टेप आप क्या लेने वाले हैं, सो टोटल डेबिट कर लेंगे बेटा, ये टोटल डेबिट या टोटल रिसीप्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, ये रिसीप्ट, ये सिंगल कॉलम कैशबुक का जो सबसे अच्छा खास बात क्या है कि इसका जो डेबिट साइड होगा वो हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है, डेबिट साइड हमेशा क्या होगा बेटा, वो ज़्यादा होगा, और डेबिट साइड ज़्यादा होने में जब आपने इसको टोटल किया तो ये 4,50,600 रुपये आप कर लीजिएगा, जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा सिर्फ 3,03,000 रुपये, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, तो आप यहाँ जा करके पूरा लगा दीजिएगा 4,50,600 रुपये, जितना यहाँ रखिएगा उतना यहाँ रखिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, 4,50,600 यहाँ तो 4,50,600 यहाँ भी रखिएगा। ठीक है, तो ये इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद बेटा जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3,03,000 रुपये, जब आप यहाँ करेंगे तो लिखेंगे टोटल डेबिट या टोटल रिसीप्ट 4,50,600 माइनस 3,03,000 रुपये, तो 1,47,600 रुपये जो है आपका बैलेंस आएगा। ये ऐसा बैलेंस है कि हमारे पास जो रिसीविंग हुई वो 4,50,600 की और जो पेमेंट हुआ है वो 3,03,000 रुपये का, इसका मतलब ये बैलेंस जो है ये इसका बैलेंस अभी बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे कैसे, बाई बैलेंस सीडी। ये ध्यान दिमाग में रखिए कि जो बैलेंसिंग होती है, अगर आपका डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, और सिंगल कॉलम कह दूंगी ये हमेशा होगा कि डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, तो वहाँ पे आप डेबिट माइनस क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ दोनों साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो दोनों साइड इक्वल आपका होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो बचेगा वो हो जाएगा 1,47,600। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं, आप जैसे ही 1,47,600 रुपये रखेंगे आपका 4,50,600 और 4,50,600 जो है वो इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने मैंने एक रख दिया है क्वेश्चन, आप कर लीजिएगा इसको, बस कैश का आना और कैश का जाना ही है। ठीक है, यहाँ कमेस्ट बिजनेस विद कैश लिखेंगे तो ये आपका टू साइड में जाएगा, टू कैपिटल के नाम से, क्योंकि जब मालिक पैसे देता है तो कैपिटल यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, बाकी चीज़ें सेम है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।